खबर ये कानपुर की है, जहां एक बच्चे ने अपनी मौत का हवाला देकर छुट्टी मांगी और प्रिंसिपल ने भी मंजूरी दे दी। बच्चे अक्सर स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। ऐसा ही एक मजेदार वाक्य उत्तर प्रदेश में कानपुर से आया। शहर के एक स्कूल में 8वीं क्लास का छात्र छुट्टी के लिए आवेदन पत्र में खुद की मौत का गलती से हवाला दे दिया। चौंका देने वाली बात तो ये है कि प्रिंसिपल ने भी बिना पढ़े आवेदन पत्र पर छुट्टी की मंजूरी दे दी। बच्चे का यह पत्र अब वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस आवेदन पत्र में कानपुर के जीटी रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे ने अपनी गलती से दादी की जगह अपने खुद की मौत का हवाला देकर छुट्टी मांग ली। छुट्टी मिलने के बाद बच्चे ने अपनी दादी का अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। दूसरी तरफ उसका पत्र सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। स्कूल के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि प्रिंसिपल ने छुट्टी दी थी और वह भूलवश हुआ। स्कूल के एक टीचर ने बताया कि बच्चे ने अपने पत्र में लिखा, महोदय निवेदन है कि आज आप 20/8/2019 को मेरा देहांत होगा। महोदय से अनुरोध है कि कृपया मुझे हाफ टाइम का अवकाश प्रदान करें। प्रिंसिपल ने आवेदन पत्र पर लाल कलम से हस्ताक्षर करते हुए छुट्टी दे दी। प्रिंसिपल की इस गलती के बाद स्कूल के ही एक व्यक्ति ने उस बच्चे का आवेदन पत्र सोशल मीडिया पर लीक कर दिया। बच्चे का पत्र जल्दी ही वायरल हो गया और उस पर मज़ेदार कमेंट आना शुरू हो गए। कई लोगों ने प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की मांग भी की।